क्लास 11th एनसीईआरटी वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। आरबीएससी में भी इस बार एनसीईआरटी की बुक्स हैं, तो उसी के लेक्चर्स डिस्कस कर रहे हैं हिंदी मीडियम में। सीबीएसई में तो इंग्लिश मीडियम में है, तो वहाँ पर तो इंग्लिश के लेक्चर चलेंगे, जो मेरे दूसरे लेक्चर्स हैं इंग्लिश के अंदर। यहाँ 11th आरबीएससी के अंदर एनसीईआरटी की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 4th है ये, वर्गीकरण, प्राणी वर्गीकरण। इसको मैं प्राणी लिख देता हूँ। यहाँ पर ये प्राणियों का वर्गीकरण है जिनके बारे में पढ़ रहे हैं। मैं नाम बता देता हूँ फिर से। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि जितने भी फाइलम हैं, जितने भी संघ हैं, उन सब के नाम मैं एक बार आपको बताऊँगा। अकशेरुकी, जितने भी अकशेरुकी संघ हैं उनके नाम, जैसे अभी तक आर्थ्रोपोडा आज करेंगे, तो आज का टॉपिक है आर्थ्रोपोडा, लेकिन मैं सबके नाम बता देता हूँ। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लिटी हेलमेंथीज, एसके हेलमेंथीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, बीच में टिनोफोरा भी आता है, लेकिन छोटा सा ग्रुप है, छोटा सा फाइलम है, इसलिए इसको कभी याद रखते हैं, कभी नहीं रखते हैं, कई बुक्स में दे रखा होता है, कई बुक्स में नहीं भी होता है, तो ठीक है, उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन बाकी नाम मेजर अगर याद रखें तो पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लिटी हेलमेंथीज, एसके हेलमेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, इसी सीरीज़ में यही नाम मेजर है जो याद रख सकते हैं, इन्हीं को पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का सबसे पहले मीनिंग, आर्थ्रोपोडा का मीनिंग है संधि युक्त उपांग। आर्थ्रोपोडा का मीनिंग है संधियुक्त उपांग। संधि का मतलब होता है जॉइंट, जॉइंटेड अपेंडेजेस। इनके जो अपेंडेजेस हैं, जो भी उपांग हैं इनके, वो सभी संधियुक्त होते हैं, उनमें जोड़ होता है, संधि होती है उनके अंदर, इसलिए इनको आर्थ्रोपोडा कहा गया। अब सबसे बड़ी बात ये आर्थ्रोपोडा की, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है, जितने भी संघ हैं, वो कशेरुकी हो चाहे अकशेरुकी हो, जितने भी संघ हैं उनमें सबसे बड़ा संघ अगर बात करें तो वो आर्थ्रोपोडा है। मैं लिख देता हूँ इसको सबसे बड़ा संघ है ये। इसका भी एक कारण है, अभी सबसे बड़ा संघ तो है, लेकिन किसने इसको सबसे बड़ा बनाया, क्यों है ये सबसे बड़ा, उसका मेन रीज़न ये है इंसेक्टा क्लास। इसके अंदर एक क्लास है, इसकी वर्ग है, वर्ग इंसेक्टा। जो वर्ग इंसेक्टा है, इसके सदस्य यानी कि इसके अंदर आते हैं कीट, और ये सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। वैसे अगर मैं ये कहूँ कि आर्थ्रोपोडा के जीव सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, एक सिंपल सी चीज़ आप याद रख सकते हैं, अगर हम एक कोशी के जीवों की बात करते हैं, एक कोशी के जीवों में शैवाल भी आती है, फंगस भी आती है, और बैक्टीरिया भी आते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया ऐसे जीव हैं जो विश्व के समस्त स्थानों पर, बहुत कम स्थान ऐसे हैं जहाँ पर बैक्टीरिया नहीं मिलेंगे, बाकी विश्व के समस्त स्थानों पर बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कशेरुकियों या फिर बहुकोशिकियों की, तो बहुकोशिकीय जीवों में इंसेक्टा या आर्थ्रोपोडा ऐसा संघ है जो सभी स्थानों पर, हवा में भी पाए जाते हैं, वो धरती पर भी पाए जाते हैं, धरती के अंदर भी पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोडा के जीव सब जगह मिल जाएंगे आपको, और उसमें इंसेक्टा भी ऐसे हैं सब जगह मिलते हैं। सिंपल सा, ये हवा में मिलता है, जैसे इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब होता है कीट, इसमें कीट आते हैं। अब कीट कहते हैं किसको हैं, कीट के लिए हम लोग जनरली एक वर्ड यूज़ करते हैं कीड़ा, लेकिन कीड़ा और कीट थोड़ा सा अलग कर सकते हैं। कीड़ा तो जिसको भी हमने देखा, जैसे मकड़ी है तो उसको भी हम कीड़ा कह दिया, बिच्छू है तो उसको भी हमने कीड़ा कह दिया, लेकिन एक वर्ड कीट जो है उसको हम थोड़ा सा स्पेसिफाई कर सकते हैं। कीट उसको कहते हैं या इंसेक्ट उसको कहते हैं जिसके 6 पैर होते हैं या 3 जोड़ी पैर, 3 जोड़ी पैर या 6 पैर। अब आप सोचें, अपने मन में याद करें, आपने टिड्डा देखा होगा, आपने बटरफ्लाई तितली देखी होगी, आपने कॉकरोच देखा होगा, तो ये सभी जीव जो हैं इन सभी के 6 पैर होते हैं, 3 जोड़ी पैर होते हैं। मक्खियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, तो कई सारे जीव हैं जो इंसेक्ट। हाँ, अब अगर बात करें आप मकड़ी या बिच्छू की, अरेनिया पैलेमनियस, इनके साइंटिफिक नेम है, अरेनिया मकड़ी को कहते हैं, पैलेमनियस बिच्छू को कहते हैं, तो इनकी अगर बात करें, इनके अंदर 6 पैर नहीं होते। कभी आप ध्यान से देखना, ध्यान से गिनती करना इनकी,
तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इन इनमें जो मकड़ी और बिच्छू है इनमें 8 पैर होते हैं, इनमें 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, इसलिए उनको इंसेक्टा में नहीं रखा। लेकिन एक सिंपल चीज़ मैं और बताता हूँ, अच्छी चीज़ आपको, अगर आप नेट पर सर्च करते हैं इमेजेस के अंदर, अगर आप नेट पर इमेजेस गूगल पर इमेजेस सर्च करेंगे इंसेक्टा इंसेक्ट्स, तो हो सकता है 20 में से कोई एक इमेज आपको मकड़ी की भी मिल जाए, आपको बिच्छू की भी मिल जाए, लेकिन एक्चुअल में वो इंसेक्ट नहीं है, उनको इंसेक्टा में नहीं रखा गया, वो इस वर्ग के सदस्य ही नहीं है। ठीक है, इस वर्ग के वही सदस्य हैं जिनके 3 जोड़ी पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। अब इनके अंदर वही 3-4 कैरेक्टर जो पढ़ते आए हैं और आगे सब में मिल रहे हैं, जैसे त्रिकोरक है, मैं एक साथ ही लिख देता हूँ, द्विपार्श्व, सममित, उसके अलावा गुह्य या प्रगुह्य भी कह सकते हैं, और खंडी भवन, वास्तविक खंडी भवन इनके शरीर में पाया जाता है। तो ये कुछ कैरेक्टर हैं जो शुरू से पढ़ते हैं और पढ़ ही रहे। इनमें अगर बात करें श्वसन की, इनमें बात करें उत्सर्जन की, और अगर बात करें परिसंचरण की, तो श्वसन के लिए इनमें गिल्स भी होते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया सब जगह मिलता है, जलीय है तो गिल्स होंगे, सिंपल सी चीज़ें। लंग्स मिलते हैं इनमें, कुछ में बुक लंग्स मिलते हैं, बुक की तरह अरेंजमेंट होता है, जैसे बुक के पेपर्स होते हैं उस तरह से, इसलिए इनको बुक लंग्स कहते हैं, तो बुक लंग्स मिलते हैं इनके अंदर। उसके अलावा इनमें ट्रैकियल सिस्टम भी होता है। एक्चुअली में यहाँ पर सिर्फ हम नाम डिस्कस कर रहे हैं इनके बारे में, गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकिया, ये सब जैसे इनको तो डिस्कस नहीं करेंगे कभी, लेकिन आपको ट्रैकिया की संरचना पढ़ने को मिल सकती है, हमारे शरीर में भी होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम अगर आपसे अगर कोई पूछे आपके शरीर में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो आप यही जवाब देंगे फेफड़ों के द्वारा, ट्रैकिया के द्वारा, ट्रैकिया है, लेकिन हम जवाब जो देते हैं वो फेफड़े कहते हैं हम। उसी तरह से अगर कॉकरोच में पूछा जाए, टिड्डे में पूछा जाए कि उनमें श्वसन किस तरह से होता है, तो आप वहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि उनमें फेफड़े होते हैं या और कुछ, उनमें ट्रैकिया होती है जिनके द्वारा, क्योंकि उनके शरीर में डायरेक्ट सप्लाई होती है ऑक्सीजन की सारे टिश्यूज़ तक, पाइपलाइन डायरेक्ट होती है उनके, तो जो बॉडी की लेटरल साइड से जो पार्श्व सतह है उनके, जो सरफेस है, वहाँ से ट्रैकिया अंदर जाती है, और अंदर जाने के बाद में सीधे उनके ऑक्सीजन को सप्लाई करती है जो डिफरेंट टाइप के उनके टिश्यूज़ हैं, जो उत्तक हैं वहाँ तक, तो इसमें ट्रैकिया पाई जाती है। इनमें एक चीज़ और लिख सकते हैं, बाह्य कंकाल। तो यहाँ पर उत्सर्जन के लिए इनमें मेल्पिगी नलिकाएं, यूजुअली मेल्पिगी नलिकाएं पाई जाती है। परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है। अब खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या है? परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है, खुला तथा बंद प्रकार का। खुले प्रकार का मतलब यह है कि जब आपका रक्त शरीर में प्रवाहित हो रहा है और उस समय किसी भी एक समय, मतलब पूरे शरीर में घूमते समय एक बार एक समय ऐसा है जब आपका जो रक्त है वो शरीर गुहा के संपर्क में आ जाए। आपका रक्त सिंपल से ध्यान समझे नलिकाओं में बह रहा है, हृदय भी उपस्थित है, लेकिन कंडीशन ये है कि एक बार आपका रक्त पूरे सर्कुलेशन में, पूरे जो बहाव है उसमें एक बार आपके शरीर गुहा के संपर्क में अगर आ रहा है तो उसको आप खुला परिसंचरण तंत्र कहेंगे। लेकिन अगर एक बार भी किसी भी कंडीशन में आपके शरीर के गुहा के संपर्क में नहीं आता तो बंद परिसंचरण होता है। जैसे हमारे शरीर में अगर हमारे शरीर में रक्त शरीर गुहा के संपर्क में आने लगे तो उसको इंटरनल ब्लीडिंग कहते हैं, आंतरिक रक्तस्राव कहते हैं, और वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। किसमें किसी को भी ये पता नहीं चल रहा है कि उसके शरीर में से रक्त बाहर निकल रहा है, लेकिन वो रक्त बाहर नहीं निकल रहा है, अंदर ही शरीर में जो गुहा है वहाँ पर फैल रहा है, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कई प्रकार की अशुद्धियाँ रक्त में होती है, और रक्त वैसे ही बाहर निकल रहा है तो हृदय काम करना बंद कर देगा और मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर इनमें बाह्य कंकाल भी मिलता है। बाह्य कंकाल जो है इनका वो काइटिन का बना हुआ होता है। ये मोल्टिंग भी करते हैं, मोल्टिंग
त्वक पतन, हिंदी में इसको क्या सकते हैं, त्वक पतन मतलब अपनी त्वचा को छोड़ देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। अब इनमें आगे अगर बात करें तो इनके अंदर लार्वावस्था मिल जाती है, इनमें लार्वावस्था मिल जाती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं सभी में मिले, लेकिन कुछ में अधिकांश में लार्वावस्था मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि लार्वावस्था सभी में मिलती है, लेकिन लार्वावस्था मिलती है। तो परिवर्धन इनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का हो सकता है। एक और इसमें लिख देते हैं, ये सदस्य आर्थ्रोपोडा के एकलिंगी होते हैं, सिंपल सा एकलिंगी है यूजुअली सारे, और इनमें लार्वा अवस्था उपस्थित या अनुपस्थित दोनों कंडीशन है, उपस्थित भी हो सकती है और अनुपस्थित भी हो सकती है। इनका आर्थिक महत्व कही जाता है, आर्थिक महत्व के अंदर जैसे ये रोग भी फैलाते हैं, ये हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं और फ़ायदा भी करते हैं। जैसे अगर अब मैं लिख नहीं रहा इसको, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आप लोग सुने थोड़ा ध्यान से। अगर मैं बात करता हूँ मधुमक्खियों की, तो उनसे हमें शहद मिलता है, एपिकल्चर करते हैं हम मधुमक्खियों का पालन, एपिकल्चर। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर के अंदर हम रेशम के कीट का पालन करते हैं, तो जिससे हमें रेशम प्राप्त होता है, जिसका नाम है बॉम्बिक्स मोराई, एक मौत है, एक शलभ है, तितली का भाई समझ ले आप, उसका कज़िन समझ लें, ठीक है। तो उसी के ग्रुप का है, उसके ग्रुप एग्जैक्ट ग्रुप का नहीं है, लेकिन उसके जैसा दिखता है, उसके एक साइड ग्रुप का है वो मेंबर। तो शलभ या मौत आपने देखा होंगे, जो यूजुअली आपको रात के समय दिखाई देते हैं, दिन में दिखाई नहीं, कलर में ज़्यादा अच्छे नहीं होते, जैसे तितलियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती, लेकिन वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं होते। तो ये एक पहचान है, अपने पंख तितलियाँ ऊपर की तरफ होल्ड करके बैठती है, लेकिन शलभ जो होते हैं वो पंखों को फैला कर बैठते हैं, उनका कलर कुछ ऐसा होता है, ये डल कलर जो है बिल्कुल इस टाइप का कलर उनका शलभ का मिलता है। तो बॉम्बिक्स मोराई रेशम का कीट जिसको बोलते हैं, रेशम बनाता है जिससे रेशम मिलती है। इसी तरह से लैसिफर लेका, लाख का कीड़ा, जिससे हमें लाख प्राप्त होता है, लाख मतलब वो जो जिससे चूड़ियाँ बनती है और भी कई आइटम बनते हैं, वो जो आपने देखा होगा कभी कोई लॉक वगैरह सील करने के अंदर जो लाल कलर का वो लिक्विड यूज़ करते हैं, तो वो लाख होता है, जिसको थोड़ा सा गर्म करते हैं तो पिघल जाता है और सूखने के बाद बिल्कुल पत्थर की तरह कठोर हो जाता है, थोड़ा सा भंगुर होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन मामूली सा ऐसा होता है कि आप उसको तोड़ोगे तो टूट जाएगी उसकी स्टिक, लेकिन सॉलिड तो हो ही जाता है वो, और गर्म करने में पिघल भी जाता है। तो ये तो होगा इनका इंपॉर्टेंस। इसी तरह से अगर हम बात करें मच्छरों की, तो रोग फैलाते हैं, मच्छर में एनाफिलीज भी है, क्यूलेक्स भी है, एडीज भी है, इन्हीं से हमें मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, ये सभी प्रकार के रोग होते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें ड्रैगन फ्लाई, आपने देखा होगा ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई जिसे जनरली कुछ लोग हेलीकॉप्टर भी कहते हैं, ये पानी के ऊपर उड़ता है, ये वहाँ एगलाइन करता है और साथ में शिकार भी करता है, तो इसका फूड भी वहाँ मिल जाता है, एगलाइन करने के लिए स्पेस भी, इसलिए वो वाटर कोई भी पानी इकट्ठा हो रखा है उसके ऊपर फ्लाई करता है। तो ड्रैगन फ्लाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मच्छरों को खाता है। कौन से मच्छर? एक तो वही मच्छर जो हमें काटते हैं वो, और दूसरे वो मच्छर जो हमारे पीले पीले कपड़ों पर चिपक जाते हैं, उनको मच्छर नहीं कहते, उनको एफिड कहते हैं, ठीक है। हम जनरली उनको एफिड मच्छर बोल देते हैं, लेकिन वो एफिड है, जो मच्छर हमें काटते हैं उनसे कुछ अलग है। तो ये उन मच्छरों का, एफिड का, और जो मॉस्किटोज हैं उनका शिकार करता है। और सबसे अच्छी बात, इसके जो बच्चे हैं ड्रैगन फ्लाई के लार्वा, जिनको निम्फ कहते हैं, ये पानी के अंदर होते हैं, कोई भी वाटर बॉडी है कहीं पर भी, तो उस पानी के अंदर ये अपने अंडे देता है, वहीं पर इसके बच्चे होते हैं, और इसके बच्चे मच्छरों के बच्चों को खाते हैं, तो सबसे अच्छी बात है कि ये हमारे लिए पूरी तरह से उपयोगी है, कि ये हमें, ये तो मच्छरों को खा रहा है और इसके बच्चे जो है मच्छरों के बच्चों को खा रहा है, क्योंकि मच्छरों के जो लार्वा होते हैं वो भी पानी के अंदर, आपने देखा होगा इस तरह से कुछ पानी के अंदर, बारिश का पानी अभी कहीं इकट्ठा हो रखा आप देखें उसके अंदर, तो आपके घर में भी कहीं अगर पानी पड़ा है पिछले 15-20 दिन से, तो आप उसमें देख सकते हैं, जो मनी प्लांट की बेल लगाता है ना, उसमें अगर आपने काफ़ी टाइम से पानी चेंज नहीं किया तो आप उसमें देख सकते हैं, चिड़ियों के लिए पानी भरते हैं उसमें पानी भरा रहता है, तो उसमें आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर ये मिल जाएंगे। पास जाते हैं थोड़ा सा वाइब्रेशन इनको फील होता है, तो ये zigzag मूवमेंट करते हैं, नीचे चले जाते हैं और फिर से ऊपर आ जाते हैं। तो ऊपर रहना ज़रूरी है रेस्पिरेशन के लिए। और ये जो है मच्छरों के बच्चे हैं, जो कुछ लट्टों के तरह दिखाई देते हैं छोटे छोटे से। तो इस तरह से यहाँ हमने आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मोलस्का की।